सेट में क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं? 67 मान लेते हैं ना, और हमारे पास 80 क्वेश्चन है 2.5 मार्क्स के, तो जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने जरूरी है। सी सेट के दो ही मेन पोर्शन, तीन मेन पोर्शन इनफैक्ट, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया और इंग्लिश हो गया, मोटा मोटा ही होता है, उसके अंदर भी आप सब डिवाइड कर सकते हैं चीजों को। सी सेट के प्रिपरेशन के लिए मैं तो बोलूंगा सबसे पहले ना अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर लो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, बिकॉज आपको इसके अंदर हाईएस्ट स्कोर करने ही नहीं है, इसके अंदर आपको 67 नंबर लेकर आने हैं। तो अगर आप अपनी स्ट्रेंथ से 50-60 मार्क्स खींच लिए ना, तो जरूरत नहीं पड़ेगी और ज्यादा चीजों की। तो हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि एग्जाम्पल क्या, मेरी तो मैथ्स थी, तो मैंने तो मैथ्स आइडेंटिफाई कर ली थी कि मैथ्स मेरी स्ट्रेंथ है और मैथ्स के इतने क्वेश्चन आएंगे, तो मैं सबसे पहले तो वही करूँगा। तो लेट्स से कि मैंने तो कैट दिया था, तो मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस था ये वाले क्वेश्चंस का, लेट्स से मेरे को नहीं होता, हम ये मान के चलते हैं। तो हाउ डू यू स्टार्ट विद दोस, तो सबसे पहले तो लास्ट 5 ईयर्स के PYQs देख लो, एंड क्लासीफायर चीज का हमेशा हैबिट बना लो, क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स, बिकॉज हमेशा जो बल्क होता है ना, वो नेवर गिव्स यू एनी यूजफुल इंफॉर्मेशन। व्हेन यू क्लासिफाई, इट गिव्स यू यूजफुल इंफॉर्मेशन, विच टॉपिक इज गेटिंग रिपीटेड, विच टॉपिक इज डिफिकल्ट, विच टॉपिक इज ईजी। तो उनको क्लासीफाई कर दो लास्ट 5 साल के क्वेश्चन को, एंड ट्राई टू अटेम्प्ट खुद से स्टार्टिंग में। जनरली आपसे अटेम्प्ट नहीं होंगे बहुत सारे, बट 20-30% क्वेश्चन तो आपसे अटेम्प्ट भी हो जाएंगे। फिर आप टॉपिक वाइज देखो कि कौन सा टॉपिक ज्यादा चल रहा है, जैसे डिस्टेंस स्पीड टाइम का टॉपिक काफी आता है, ठीक है। फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत सारा आता है कि उसके पास इतने कॉइंस हैं, मेरे पास उतने कॉइंस हैं, तो इस तरह के टॉपिक आते हैं। फिर एज वाला, एज मतलब बेसिक अरिथमेटिक बहुत आता है, ठीक है। तो हाउ डू यू कवर दोस टॉपिक्स, देर आर टू मेथड्स। पहला तो कोई भी बुक ले सकते हो आप कवर करने के लिए, एंड देर आर अम्टेन नंबर ऑफ बुक्स, किसी भी कोचिंग का ले लो, एक आर्य शर्मा का बुक आता है, वो बहुत सारे लोग रेफर करते हैं, क्योंकि SSC CGL वाले टाइप से क्वेश्चन आते हैं। इस साल थोड़ा लेवल बढ़ा दिया है उन्होंने, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अरुण शर्मा कैट वाली बुक पे शिफ्ट हो जाओ, बहुत सारे लोग वो रिकमेंड कर रहे थे, पर वो इतनी बल्कि बुक है तो आपका GS का प्रिपरेशन छूट जाएगा उसके चक्कर में, तो वो मत करना। आर्य शर्मा या फिर किसी भी कोचिंग मटेरियल का बुक लो एंड वो चैप्टर कवर करो। ये इम्पोर्टेंट नहीं कि आप वो बुक कवर करो, ये इम्पोर्टेंट है कि आप वो टॉपिक कवर कर लो। जैसे हमने सबसे पहले देख लिया कि एज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, एज का टॉपिक कवर कर लिया, एंड आई एम श्योर उस बुक के पीछे क्वेश्चंस भी होंगे एज के, तो वो एज के क्वेश्चंस कर लिए हमने, एंड वो क्वेश्चंस करने के बाद फिर हमने PYQs देखे दोबारा, फिर हमने PYQs कर लिए। तो दिस इज द वे यू कैन फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ सब्जेक्ट या मैथ्स में, मतलब इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। टॉपिक कंप्लीट कर लो, ये जगह लिस्ट बना लो, ये सारे टॉपिक हैं, कंप्लीट द टॉपिक एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन, एंड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑल्सो, मतलब जब 10 जनवरी में आपका लेट्स से आपने स्टार्ट करा, तो वो 5 महीने जो है उसके अंदर एटलीस्ट 10-20% टाइम सी सेट को दे दो। अब वो कैसे दोगे वो आपके ऊपर है कि एक हफ्ते का 50 घंटा है, तो मैं करीब करीब 7-10 घंटा सी सेट को दूंगा, तो किसी दिन एक दिन दे दिया पूरा का पूरा, या 5 दिन 1.5 घंटा करके दे दिया, वो आप पे डिपेंड करता है। बट सी सेट में अल्टीमेटली इट्स अबाउट द प्रैक्टिस विच मैटर्स, कि कॉन्सेप्ट समझना बहुत आसान है, 6th से 10th टाइप का कॉन्सेप्ट होता है, कभी कभार बहुत मुश्किल दे देते हैं, कॉन्सेप्ट वही होता है, बट द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। स्पेसिफिकली मैथ्स में तो वही वाली चीज़ है, मैथ्स और रीजनिंग क्लब करके ही बोल सकता हूँ। बात रही इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मैं तो बोलूँगा कि जो ये आते हैं न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आते हैं, वो जो एडिटोरियल है वो हम वैसे भी पढ़ते ही हैं, हमें कैट के टाइम बोला जाता था एडिटोरियल पढ़ो, बट UPSC में आई डोंट थिंक किसी को बोलने की भी ज़रूरत है, क्योंकि वो तो इट्स लाइक द बाइबल की वो पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो उससे आपको ना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का प्रैक्टिस हो जाएगा, एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की अगेन कोई भी कोचिंग मटेरियल की बुक उठाना, उसमें से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करने का कोशिश करना, एंड इट इज़ डिफिकल्ट। मेरे भी ना बहुत सारे गलत होते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, बिकॉज ना वो बोलते हैं अजम्पशन क्या है इसके अंदर, कंक्लूजन क्या है, और वो समझ में नहीं आता कि अजम्पशन बोला है तो इसका मतलब क्या है। तो उसके आप YouTube वीडियो से मेथड समझ सकते हो,
या फिर किसी कोचिंग मटेरियल में लिखा हुआ देख सकते हो। जैसे मैंने फिगर आउट करा था, अजम्पशन का मतलब है कि अगर ये स्टेटमेंट गलत हुआ तो ये पैसेज का कंक्लूजन गलत हो जाना चाहिए। अजम्पशन का ये मतलब होता है ना कि हम क्या अज्यूम करके किस फाउंडेशन पे हम अपना पूरा आर्ग्यूमेंट बना रहे हैं। तो अब कोई मेरे से पूछता है कि वो फाउंडेशन क्या है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि वो फाउंडेशन को दिमाग में लेकर आऊँ और उसको निगेट कर दूँ पहले कि यार ये तो गलत बात है। और अगर मैं वो गलत बोलता हूँ तो ऊपर का वो चीज़ गलत हो जानी चाहिए उससे। अगर किसी स्टेटमेंट के साथ ऐसा हो रहा है, दैट मीन्स दैट इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो चीज़ें। इंग्लिश में भी जो कंक्लूजन वाला होता है, समरी वाला होता है, वो इजी होता है क्वेश्चन कि समराइजेशन क्या है। आई थिंक अजम्पशन वाले पे ही सबसे ज़्यादा फंसते हैं। मैं खुद फंसता था अजम्पशन वाले पे और मैं छोड़ देता था उसको क्योंकि वो गलत होता है मेरा। तो आप छोड़ भी सकते हैं बिकॉज यू हैव द लग्जरी इन सी सेट एटलीस्ट कि 50 क्वेश्चन करके आओ, उसमें से आपके 35 भी ठीक है आई थिंक, तो काम हो जाएगा आपका। तो मेन तो स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से सी सेट का।